वेरी गुड मॉर्निंग, 10:30 हो रहा है सुबह का। आज हमने बनाए हैं राजमा, मुझे बनानी है चाय। मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज का दिन हमारा कैसे 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 जा रहा है। वैसे आपको मैं बता दूँ, मैं उठी थी 7:29 के अराउंड, उठ के बाहर आ गई, दोनों एसी ऑन किए, आराम से लेट गई। और आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। बस राजमा में मतलब हरा धनिया डाल रही थी और ऊपर से मैंने डाले इसके जीरा। तो ये हमारे बनके हो गए हैं तैयार। दो मंगाए हैं ड्राई फ्रूट्स और जी इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था तो मैंने इस बार ये वाली चीनी ऑर्डर दो मंगाए हैं मैंने मखाने के पैकेट। गाइज आप लोग बोलोगे प्रियंका तो ब्रेड खाती है। नहीं, मैं ब्रेड नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ। किसी होटल वोटल में हूँ तो ये ब्रेड आए हैं सिर्फ और सिर्फ, पहले आते थे मदर इन लॉ के लिए, अभी आए हैं हमारी हाउस हेल्पर के लिए, क्योंकि उसको ब्रेड बहुत पसंद है। आपको जितने खाने हैं खा लेना, फिर इसको आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? फ्रीज में? नहीं नहीं नहीं, घर ले जाना बच्चों के लिए, ठीक है? और हमारा एज यूजुअल, जैसे कि आपके घर में गेहूं की रोटी चपाती बनती ही बनती होगी या कोई भी रोटी, इसी प्रकार से चिल्ला हमारे घर में कभी होगी मिस हो जाए बनता ही बनता है। कभी बेसन का चिल्ला, कभी मैं सत्तू का चिल्ला बनाती हूँ, और इसमें मैंने बेसन ऐड किया है, सत्तू ऐड किया है। सबसे अच्छा ट्रिक बताऊँ आप ना, अगर बेसन का चिल्ला बनाते हो, मुझे भी बनाते बनाते पता चला है, उसका जो बैटर होता है ना, जो घोल होता है, उसको घोल के रखो, उसको थोड़ी रेस्ट दो, लाइक 15 मिनट 20 मिनट। हमारा आरो ना आवाज़ कर रहा है, तो मेरे को इसकी मैंने कंप्लेंट डाली होगी, मुझे लगता है फिल्टर वगैरह चेंज होना होगा। इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया, इससे ना हमारा जो चिल्ले का तवा होता है ना वो रेडी हो जाता है। और बस एक बार लगाना पड़ता है उसके, फिर आप बाकी सब चिल्ले बिना तेल के बटर के बना सकते हो। और हमारी चाय उबल के हो गई तैयार। इस चीनी का कलर ना ये ऐसे वाला है ना, मेहमे ही है, बहुत मेहमे है बाहर का। इसको मत खोलो ना, इसकी बहुत है। चलो अब हो गया तवा तैयार, अभी हम डालते हैं अपना बैटर इसके ऊपर। मुझे ना ऐसे छोटे छोटे चिल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे मैं बड़ा वाला भी बनाती हूँ, बट ना ऐसे जो आज मैंने मतलब जो बैटर है ना वो पतला रखा है, बहुत पतला, उससे ना सॉफ्ट चिल्ला बनता है। जो आप बैटर थोड़ा स्मूथ रखते हो उससे बड़े बड़े चिल्ले बनते तो हैं, बट वो उतने टेस्ट नहीं जितना ये वाला टेस्ट होता है। और इसमें से गाजर, धनिया, प्याज, हरी मिर्ची सब दिख रहा है, तो उसको खाने का स्वाद ही अलग होता है। लेकिन पहला वाला बटर वाला है, सो ऐसा नहीं बड़े वाला नहीं खाती, खा लूँगी इसको भी, बट जो इसके बाद बनते हैं ना वो बहुत बहुत मस्त। खाने मैंने ओवन में हल्के से वो कर लिए, क्रिस्पी हो जाते हैं इसमें। ये जो मिक्सचर है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये ना अब मैं पानी डाल के इसको रख दूँगी, डिप हो जाएगा इसमें और अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद मैं इसमें मखाने, नारियल की गरी, एप्पल डाल के खाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे अंजीर, बादाम, काजू और ये क्या बोलते हैं इसको, शुआरा। अभी 10:45 हुआ है तो मुझे खाना है 4:30, तो तब तक अच्छे से भीग जाएगा। और देखो दूसरा वाला चिल्ला है, मैंने बहुत ही गोल बनाया है उसको, और उसको पलटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि पहले एक बार ऑयल जो है वो तेल पे पैन पे लग चुका था। अब हम इसको इस प्रकार से पकाएंगे, हल्का हल्का, थोड़ा ढक के, थोड़ा धीमी आँच पे, थोड़ा तेज आँच पे। ये है मेरी चाय, इनको दो चिल्ले बनाने से बना दिया, मैं आराम से बैठ के पीऊंगी चाय। और कभी कभी मैं ना इसको जैसे भिगोया हुआ है, फिर मतलब 4-5 घंटे के बाद इसका मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, फिर इसमें कोई भी कोकोनट मिल्क हो गया या फिर नॉर्मल दूध हो गया, इसमें बनाना के साथ या फिर ऐसे भी स्मूदी जैसे बना के पीऊँ तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पनीर के क्यूब्स, थोड़ा सा ना ये जो चिल्ले का बैटर बच गया, इसका चिल्ला तो बनेगा नहीं, तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको ना ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं, मतलब अच्छे से ऐसे ऐसे करके तवे पे हल्का सा बटर लगा के हाउस हेल्पर को खिला के देखते हैं कि कैसा लगेगा उसको, ऐसा बनाते हैं। एक बार वैसे पहले हमने बनाया था ऐसे, मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बनाया था ना जब मदर इन लॉ आए थे। थोड़ा सा लगा दिया मैंने इस पर बटर, क्योंकि उस दिन सबको बहुत अच्छा लगा था। मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैंने व्लॉग में शेयर करा था कि नहीं शेयर करा था। और ये वाला दिखाऊं आपको, एक साइड लगा, इसके एक साइड नहीं लगा क्योंकि खत्म हो गया था। ये देखो ये
बहुत क्रिस्पी बनता है और ना मुझे तो अच्छा लगता है ना खाने में। मेरा मन तो कर रहा है बट नहीं, मैंने एक टाइम ही खाना खाना है तो मैं नहीं खा सकती। रोटी को हाथ पे बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरी रोटी क्यों जल जाती है। मुझे ना एक इंडक्शन वाला पैन और एक तवा मेरे हिसाब से लेना पड़ेगा शायद से, तो वही सोच रही थी मैं कि लूँ कि ना लूँ। और मुझे टोटल रोटी बनेगी हमारी 6। दो रोटी मैं खाऊंगी, 2 ये खाएंगे और 2 मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कभी किसी ने खानी हो या रात तक भूख लग जाए, तो इसलिए हम 6 या 5 रोटी का हिसाब होता है। और अगर यही रोटी मुझे फुलके की तरह बनानी है ना तो काफ़ी सारे फुलके बनते हैं और मेहनत भी बहुत लगती है। बना सकते हैं वैसे बट मुझे ऐसे बनाना अच्छा लगता है। और सामने मैंने रोटी रखी है क्योंकि ना एकदम से अगर मैं इसको फॉइल पेपर में रख दूँगी ना तो वो क्या बोलते हैं उसको, स्वेटिंग जैसी हो जाती है रोटी में ना, वो पूरी एकदम से वो गीली गीली सी हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी सी रोटी को ना हवा लग जाए उसके बाद फिर आप फॉइल पेपर में डाल के रख दो। और मैंने पेड़े बना के रखे होते हैं कि कितनी रोटी बनेगी, इसकी आइडिया अंदाज सा हो जाता है कि हाँ इतनी पेड़े बन गए तो इतनी रोटी आराम से बन जाती है। और मम्मी की रोटी थोड़ी बड़ी होती है, मेरी छोटी होती है, मेरे हाथ के हिसाब से। और मम्मी का हाथ शुरू से ऐसे है कि बड़ी बड़ी रोटी बनाना मक्के की जैसे, और उनको बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है ज्वार की रोटी रागी की रोटी ऐसे बनाने में। टाइम हो गया है 2:10, घर की पूरी सफाई हो गई उसके बाद अब मैंने कैमरा उठाया है। एक एक चीज़ अच्छे से हमने झाड़ू पोछा डस्टिंग वैक्यूम कर दिया और यहाँ पे ना कपड़ों का स्टैंड था वो मैंने उठा के रख दिया। अभी थोड़ा ना अच्छा लग रहा है घर, मतलब पहले की तरह ना। जूते मैंने यहाँ पे छुपा के रखे क्योंकि हम लोग ना पहनना होता है तो इसको मैं पहन के बाहर जाऊँ। इधर भी पूरा क्लीन हो गया। टोकरी ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी टोकरी कहाँ, टेबल का कपड़ा सब सब अच्छे से डस्टिंग कर दी, इसको उठा के पोंछ के सुखा के फिर लगाया है। कुर्सियों का थोड़ा थोड़ा रह गया ये वाला, बाकी मैंने पीछे से सब कुर्सियाँ साफ़ कर दी, ये भी कर ही देते हैं। अब नीचे भी यहाँ पे वैक्यूम कर दिया, यहाँ पे एक मैट लगा दिया सो दैट कि अगर बालकनी से इधर को आओ कि बाहर गीला गीला होता है तो फिर यहाँ पे ना आके पैर पहुँच के अंदर को जाओ। और वो जो कारपेट आप देख रहे हो, जब एसी हमारा काम हुआ था ना मम्मी लोग जब इधर ही थे तो वो मिट्टी से भर गया था, उसको बालकनी में रख के पानी से पूरा साफ़ किया और अभी नीचे उड़ने के लिए रखा। प्लांट्स को पानी दे दिया और प्लांट्स को क्लीन तो मैंने कल ही कर दिया था। इस प्रकार से आज हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। सब सब फालतू सामान रख दी उठा के। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल है और सामने जो व्यू प्लांट्स का वो बहुत अच्छा लगता है। सामने से ट्रेन दिखाई दे, फीलिंग्स होती है जो आपको आपके घर में दिल लगा के रखती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे घर का काम हो और ये सामने ये सब बना हुआ है। अभी मैं उस तरह से सेटिंग कर रही हूँ मम्मी लोग के जाने के बाद जैसे मैं यूजली अपने घर को रखती हूँ। आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि लोग बोलते हैं सफाई करने के बाद भी घर दिखाया करो, और बहुत दिनों से मैंने सफाई करने के बाद घर नहीं दिखाया है। कुछ लोग ना ये बोलते थे कि आपकी टाइल्स बहुत गंदी है। गंदी नहीं है, यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है वो है, और हमने हमारे टाइल्स को क्लीन भी करवाया था। क्लीन वैसे हुई है, मुझे नहीं पता अभी कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये मैंने रखी है आलू प्याज की टोकरी और किचन हमारा मतलब काम करने के बाद पूरा क्लीन। इसके बाद बस चाय बनेगी और हमारा कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। मेरा काम ना 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है, 3:45 बजे पूरा काम। और स्टैंड मैंने धो के थोड़ा सा बाहर रखे हुए हैं, ये हमारा ओवन का स्टैंड है। और ये है मेरे रोस्टेड मखान, ये है थोड़ा सा मैंने तवे पे ना मतलब इन स्पेस को गर्म किया। मुझे ना फ्रूट्स में डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है, इससे आपकी मीठे की क्रेविंग चली जाती है। अगर आप वेट लॉस पे तब मत खाना, अगर वेट मैनेजमेंट पे है तब आप खा सकते हो। और ये खाना मैंने बना के रखा है गर्मा गर्म, खाएंगे 4:30 के अराउंड। प्याज की टोकरी यहाँ पे रखी, इस तरह से हमारा किचन पूरा साफ हो जाता है। वेट करती हूँ कि बर्तन सूख जाए, उसके बाद लगाने होते हैं बर्तन। सो दिस इज हाउ अवर किचन इज लुकिंग लाइक। और काम करने के बाद चाय पीने का जो मज़ा है ना, जो आनंद आता है, वो आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि जब काम खत्म होता है ना, अब बताए अब कुछ काम नहीं है, मतलब अपना वॉकिंग करना है, शावर वगैरह लेना, कपड़े वगैरह तैयार लगाना, लेकिन किचन का काम खत्म हो गया तो अच्छा लगता है चाय पीना। बस चाय के बर्तन धो लें उसके बाद हम लोग का काम फिनिश है। ये आएंगे 4:30 के राउंड खाना खाने के लिए और मैं 5:30 या 4:30 के राउंड ही खाऊंगी। एक गिलास में पियेंगे चाय, उसके बाद हम चलेंगे बेडरूम में क्योंकि कुछ कपड़े वपड़े हैं उसको तैयार लगाएंगे। और हम लोगों ने ना ये वाला पेपर लगा के रखा है प्लास्टिक का, ताकि जो एसी की हवा है वहाँ तक ना जाए,
यहीं तक रहे, लेकिन दो एसी चलते खोल तो सकते हैं पर फिर भी मुझे रहता है कि चलो। और ये एसी हमने 27 पे चलाया हुआ, ये हमने 28 पे चलाया क्योंकि यहाँ पे गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। एसी जब चलता रहता तो फिर गर्म नहीं लगता और किचन भी हमारी ठंडी है। किचन वगैरह पूरा खोल देती हूँ तो फिर ठंडा रहता है, कुकिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है जब से एसी लगे। और ये हॉल बहुत बड़ा है तो फिर यहाँ पे एसी की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। जो हमारा पैसेज एरिया है ना, ये बहुत सुंदर लगता है, मतलब मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये दोनों साइड रूम एंड ये ऐसे, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी मैंने निकाल के रखी है, मुझे इसको प्रेस करके रखना है, लेकिन उससे पहले पता मेरा मन किया कि चाय बना के इधर को लेके आऊँ। और मैं एक बार ना साड़ी लगा के थी कि जब आपको ली, आपको पता होगा कोलकाता से कैसे कैसे ली, एकदम से प्लान बना, बहुत मुश्किल से साड़ी मिली, फिर ब्लाउज नहीं मिल रहा था, फिर मिली, फिर कैसे कैसे मैंने लगाई, मतलब इतने शौक से लगा नहीं पाई बट लगाई थी। तो आज मेरा मन कर रहा है कि हाउस हेल्पर से लगाऊंगी, इनको ना बहुत अच्छे से लगानी आती है। और ये ब्लाउज मुझे आई थिंक 230 रुपीज का मिला था, बहुत सुंदर ब्लाउज है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी थी। इसको प्रेस करना पड़ेगा और इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी निकल रहा, तो मैं सोच रही थी कि एक बार लगा के उसके बाद ना एक बार हाथों से वॉश कर, वॉश तो आई थिंक आप लोगों से एडवाइस लेती हूँ, आप लोग मेरे को बताना। और ये बिंदी और ये लिप शेड मैंने निकाल के रखा है, मैं चाय लेके आती हूँ इधर को, फिर हम आराम से बैठ के लगाते हैं। रूम में पहले ही सबसे पहले मैंने क्लीन कर दिया था, सुबह सुबह उठ के मैंने यही काम किया सबसे पहले, का बाकी काम बाद में, पहले ये। चलो चाय लेके चलते हैं रूम में। चाय यहाँ रखती हूँ, गिर ना जाए। आप देखो लगा पाओगे इसको? लगा पाओगे क्या? मैंने हाँ लगा। सबसे पहले मैंने कर लिया थोड़ा सा मेकअप, बिंदी मुझे मिली नहीं बड़ी वाली का। अच्छा बिंदी मेरे अटैची में है, याद है? काजल को नहीं पूछा यार, कहा जाने नहीं, अभी कल ही किया था। इसको ऐसा लग रहा ना कि मैं इसको बोलूंगी यार लेके आऊ। और बाल मैंने बंद कर लिए। मैं ना अपनी तारीफ नहीं कर रही बट जब मैं होटल में तो लड़की मुझे देख के बोले आप ना पूरे से बंगाली लग रहे हो, ऐसे लग नहीं रहे हो कि आप बाहर से आए हो। साड़ी जब मैंने लगाई थी जब हम मंदिर गए थे माथा टेकने के लिए, मैं ऐसे नहीं कि अपनी तारीफ खुद से कर रही, सच्ची में ऐसे बोल रही थी और कमेंट्स भी मेरे को ऐसे आए थे। तो आज मैंने फिर सुरेश इसको लगा, मुझे इसका ब्लाउज का कपड़े का ना कलर निकला है बट इसकी फिटिंग, और जब मैंने पहना तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही ब्लाउज है। क्योंकि होता है ना कभी कभी आप तुरंत कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसकी वो वाली फिटिंग नहीं आ पाती जो आपने सोची होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा ही ब्लाउज है और मैंने इसको बहुत फिटिंग से टेलर से बनवाया, तो इस तरह से आ गया था। और वो मार्केट का नाम भूल गई मैं क्या था, एक क्या साड़ी तो मैंने लगा ली बट बिना प्रेस के लगाई है तो उतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं, इसको ना प्रेस करके लगाना पड़ेगा अदरवाइज ये साड़ी बहुत अच्छी है। काश मैं दो साड़ियाँ और लेके आती काश कोलकाता से, क्योंकि वहाँ पे जिस प्राइस में मिली ना, अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन चेक करूँगी तो बहुत महंगी मिलती है। जो लगाते हैं ना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उनको ज़्यादा पता होता है कि किस प्रकार से लाइक इसको रखना है और कैसे इसकी सेटिंग करनी है। पर जब मैं कोलकाता से वापस आई थी ना, मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे सबने यही बोला था कि प्रियंका इसको ड्राई क्लीन करवाना, तो मैं इसको हाथ से नहीं धोऊंगी, मुझे पता ख़राब हो जाएगी, फिर मैं इसको ड्राई क्लीन करवाने को ही दूंगी। इसको एज इट इज़ अभी मैं उठा के रख रही हूँ। यार ये भी देखो कैसे कलर लगा है कि पहले से था, बट जो भी है मुझे बहुत पसंद है ना। कोलकाता एक बार फिर से विजिट ज़रूर करूँगी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरी कोलकाता में रह गई हैं और मुझे लेके जाना है प्रीति को भी साथ में। उसके बाद हम लोग विजिट करेंगे जयपुर में, जाने का बहुत मन है, मम्मियों को लेके जाने का, हरिद्वार जाने का मन है तो, और बनारस जाने का। धीरे करके सब चीज़ें मुझे करनी है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपने आप को ऐसे, क्योंकि मैं यूजुअली लाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ ना, तो ये लाइट कलर भी हो गया और डार्क कलर भी हो गया, बहुत सुंदर लग रही है। और काश मैंने ना, मतलब कहते हैं अब करने पे क्यों पछताना जो आपने कर दिया, काश मैंने अपने भाई की शादी में इतनी महंगी साड़ी ना ली होती, काश मैं कलकत्ता गई होती, कुछ ऐसी साड़ियाँ लेके आती जो मैं लाइक उस रेट में, मुझे लगता है 15-20 साड़ियाँ आ जाती जिसने में वो अकेले तनियारा की साड़ी। So, इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में जो आप सोचते हो वो करके ज़रूर रहो, किसी की बात का बुरा मत मानो, कोई किसी के लिए ज़िंदगी में रुकता नहीं है, ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी का नाम है चलना। डिप्रेस होके बैठोगे सोचोगे
ये मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, किसी पर्टिकुलर बंदे को। ये मेरी एक सोच है, मोटिवेशन मेरे को यहाँ से आता है। मेरी जिंदगी में कितना भी कुछ भी हो, आई ऑलवेज मैं उठती हूँ, अपने काम पे लग जाती हूँ। वो चाहे घर को डेकोरेट करना हो, चाहे खुद पे ध्यान देना हो, चाहे वेट लॉस करना हो। क्योंकि जिंदगी में ना बोलने नहीं, काम करके दिखाने वाली चीज़ें होती हैं। और लाइफ बहुत, जैसे बोलते ना, जिंदगी कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए ना ये मैं उनको बोल रही हूँ जो हो सकता है परेशान हो, डिप्रेस हो, किसी की बात का आपको बुरा लग रहा है, उठो अपने काम पे लग जाओ। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, अपने आप पे ध्यान दो। अपने आप को प्यार करोगे ना, तब आप बाकियों को भी प्यार कर पाएंगे। और मैं ना, मैं अपने आप को देख रही हूँ, मुझे आईफोन कितना सुंदर लग रहा है, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, और घर पीछे से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। एंड साड़ी तो क्या ही कहें, कोलकाता वालों एक लाइक ज़रूर करना। और कोलकाता में जिनके घर हम गए थे ना मिलने के लिए, काश मैं हम व्लॉग बना पाती, उनको दिखा पाती, लेकिन दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो आपको अगर मैं उनका एक्साइटमेंट लेवल दिखा पाती, आप लोग बोलते यार, मतलब मैं सोचूँ यार कैसे कोई मुझे जान सकता है, एक छोटे से गाँव की हिमाचल की लड़की है ना। मतलब ऐसे मेरे को ख्याल आ रहा था, मतलब कहीं जाती हूँ ना ऐसे गोवा, कहीं भी जाऊँ बड़े बड़े शहरों में, तो जब कोई पहचानता है ना तो दिल खुश होता है। इस ब्लॉग को करती हूँ इधर ही एंड, आपसे मिलते हुए न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। और हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं जिस ट्रिप पे, वहाँ पे जाने का मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो बस उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए मैंने आज साड़ी पहन के देखा। Bye-bye.